दशहरा एक उम्मीद जगाता है, बुराई के अंत की याद दिलाता है। जो चलता है सत्य की राह पर वो विजय का प्रतीक बन जाता है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कीर्ति सिंह। सांस्कृतिक एकता और अखंडता को जोड़ने का पर्व है दशहरा। सत्य पर असत्य की जीत का सबसे बड़ा त्यौहार दशहरा 15 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। विजयदशमी का त्यौहार पूरे देश में बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। आज के दिन अस्त्र शस्त्र का पूजन और रावण दहन के बाद बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस बार दशहरा सर्वार्थ सिद्धि कुमार एवं रवि योग में मनाया जाएगा। 15 अक्टूबर को सर्वार्थ सिद्धि योग एवं कुमार योग सूर्योदय से सुबह 9:16 तक तथा रवि योग पूरे दिन रात रहेगा। इस दिन जगह जगह रावण दहन किया जाता है। कहा जाता है कि रावण के पुतले को जलाकर हर इंसान अपने अंदर के अहंकार क्रोध का नाश करता है। इस दिन माँ दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन भी किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि रावण का वध करने कुछ दिन पहले भगवान राम ने आदि शक्ति माँ दुर्गा की पूजा की और फिर उनसे आशीर्वाद मिलने के बाद दशमी को रावण का अंत किया। भविष्य वक्ता और कुंडली विश्लेषक अनीस व्यास ने बताया कि रावण ज्योतिष का प्रकांड विद्वान था। अपने पुत्र को अजेय बनाने के लिए उन्होंने नवग्रहों को आदेश दिया था। वह उनके पुत्र मेघनाथ की कुंडली में सही तरह से बैठे। शनि महाराज ने बात नहीं मानी तो उन्हें बंदी बना लिया। रावण के दरबार में सारे देवता और दिक्पाल हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। हनुमान जी जब लंका पहुंचे तो इन्हें रावण के बंधन से मुक्त करवाया। रावण के अशोक वाटिका में 1,00,000 से अधिक अशोक के पेड़ के अलावा दिव्य पुष्प और फलों के वृक्ष थे। यहीं से हनुमान जी आम लेकर भारत आए थे। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला का मर्मज्ञ होने के साथ साथ ब्रह्मा ज्ञानी तथा बहुविद्याओं का जानकार था। उसे माया भी इसलिए कहा जाता था कि वह इंद्रजाल तंत्र सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। उसके पास एक ऐसा विमान था जो अन्य किसी के पास नहीं था। इस सभी के कारण उसे सबसे भयभीत रहते थे। पान देता है आरोग्य। भविष्य वक्ता और कुंडली विश्लेषक अनीस व्यास ने बताया कि विजयादशमी पर पान खाने खिलाने तथा हनुमान जी पर पान अर्पित करके उनका आशीर्वाद लेने का महत्व है। पान मान सम्मान प्रेम एवं विजय का सूचक माना जाता है। इसलिए विजयादशमी के दिन रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ दहन के पश्चात पान का बीड़ा खाना सत्य की जीत की खुशी को व्यक्त करता है। वहीं शारदीय नवरात्रि के बाद मौसम में बदलाव के कारण संक्रामक रोग फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से भी पान का सेवन पाचन क्रिया को मजबूत कर संक्रामक रोगों से बचाता है। शुभ दिन है मांगलिक कार्यों के लिए। मान्यता है कि इस दिन जो कार्य शुरू किया जाता है उसमें सफलता अवश्य मिलती है। यही वजह है कि प्राचीन काल में राजा इसी दिन विजय की कामना से रण यात्रा के लिए प्रस्थान करते थे। इस दिन जगह जगह मेले लगते ही रामलीला का आयोजन होता है और रावण का विशाल पुतला बनाकर उसे जलाया जाता है। इस दिन बच्चों का अक्षर लेखन, दुकान या घर का निर्माण, गृह प्रवेश, मुंडन, अन्नप्राशन, नामकरण, छेदन, यज्ञोपवीत, संस्कार आदि शुभ कार्य किए जा सकते हैं। परंतु विजयादशमी के दिन विवाह संस्कार निषेध माना गया है। क्षत्रिय अस्त्र शास्त्र का पूजन भी विजयादशमी के दिन ही करते हैं। नीलकंठ का दिखना क्यों शुभ है? विश्वविख्यात भविष्य वक्ता और कुंडली विश्लेषक अनीस व्यास ने बताया कि जब श्री राम रावण का वध करने जा रहे थे उसी दौरान उन्हें नीलकंठ के दर्शन हुए थे। इसके बाद श्री राम को रावण पर विजय मिली थी। यही वजह है कि नीलकंठ का दिखना शुभ माना गया है। आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। धन्यवाद।